हेलो बच्चों, तो चलिए आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर से कुछ चीज़ें बता रही हूँ। इंग्लिश ग्रामर में मैं आज बताने वाली हूँ आपको पेट एनिमल्स, फॉर्म एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। पेट एनिमल्स में पता है आपको क्या होता है? पेट एनिमल्स होते होता है पालतू जानवर जो हम घरेलू पालते हैं घर पे, ठीक है। और फॉर्म एनिमल्स मीन्स होता है फॉर्म मीन्स खेतों में काम करने वाले, ठीक है। तो एक फॉर्म एनिमल्स उन्हें कहते हैं जो खेतों में हमारे काम करते हैं। और लास्ट में जो है वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स में तो होता है जंगली जानवर, यानी कि जंगल में जो रहते हैं एनिमल्स उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। तो आज हम तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिसको फॉरेस्ट एनिमल्स कहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स को फॉरेस्ट एनिमल भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपको पेट एनिमल्स। वी कीप सम एनिमल्स एट होम, वे जानवर जो कि हम घरों में पालते हैं दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स, ओके। वी लव आवर पेट्स, हम उन्हें प्यार करते हैं। पेट आर ऑल्सो यूजफुल टू अस, और पेट हमारे क्या होते हैं? बहुत यूजफुल होते हैं, बहुत ही काम आने वाले चीज होते हैं। तो नंबर में बता रही हूँ, नंबर वन है डॉग। डॉग हम पालते हैं जो हमारी चोरों से रखवाली करता है ना। डीओजी डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता जो हमारे चोरों से रखवाली करता है, ये हमारा पेट है। दूसरा है कैट, कैट मीन्स बिल्ली, सी ए टी कैट, कैट मीन्स बिल्ली। बिल्ली क्या करती है? हमें चूहों से रखवाली करती है, ठीक है ना, तो ये भी हम पालते हैं। अगला है रैबिट, आर ए डबल बी आई टी, रैबिट। रैबिट को भी हम पालते हैं, बहुत लोग शौक से पालते हैं, बहुत लोग ऐसे भी पालते हैं। और एक और होता है जो गोट, गोट भी हम पालते हैं, ये भी दूध भी देती है और हमारा ख्याल भी रखती है। तो जी ओ ए टी गोट, गोट मीन्स बकरी। और एक लास्ट पालते हैं हम पैरोट, पैरोट मीन्स तोता। ये तो बर्ड भी है लेकिन हम इसे पालते हैं, एनिमल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पेट एनिमल, पी डबल आर ओ टी, पैरोट, पैरोट मीन्स तोता, ओके। अब हम चलते हैं फार्म एनिमल के बारे में। सम एनिमल्स आर किप्ट एट फार्म्स, वे एनिमल्स कुछ जानवर जो कि हमारे फार्म में होते हैं, फार्म माने होता है खेतों में या घर के बाहर जो होते हैं। वी मेक देम वर्क फॉर अस, वे हमारे लिए क्या करते हैं? काम करते हैं। वी ऑल्सो गेट थिंग्स फ्रॉम देम, और हम उनसे बहुत सी चीज़ें पाते हैं। तो इसमें नंबर वन आता है काउज का, काउज मीन्स गाय। गाय क्या करती है? गाय हमारे घर के बाहर रहती है फॉर्म में, उससे हम क्या करते हैं? दूध पीते हैं, दूध देती है ना। और नेक्स्ट है ऑक्सन, ऑक्सन मीन्स बैल। एक बैल को कहते हैं ऑक्स, और दो बैल को या दो से ज़्यादा हो तो उसको ऑक्सन बोलते हैं। तो ऑक्सन मीन्स बैल, बहुत सारे बैल, ठीक है। तो वो हमारे खेतों में काम करते हैं। नेक्स्ट है हैन, हैन क्या होती है? हैन मीन्स मुर्गी, मैं आपको स्पेलिंग नहीं बता पाई, सी ओ डब्ल्यू एस, काउज, काउज मीन्स गाय, ओ एक्स ई एन, ऑक्सन, ऑक्सन मीन्स बैल। और हैन की स्पेलिंग आपको पता ही है, अच्छी एन हैन, हैन मीन्स मुर्गी, हाँ। ये भी हम पालते हैं, अंडे देती है तो बाहर रहती है। नेक्स्ट है हॉर्स, हॉर्स की स्पेलिंग एच ओ आर एस सी, ठीक है। तो ये हो गई, हॉर्स भी हो गया। अब एक और है, लास्ट है सिप, सिप मीन्स भेड़। तो सिप को क्या करते हैं? सिप की भेड़ से क्या होती है? हमें रुई मिलता है जिससे हम गर्म कपड़े बनते हैं ना, शॉल या स्वेटर जो बनते हैं, रजाई बनती है, गद्दे बनते हैं, वो हमें कैसे मिलता है? सिप से मिलता है। तो ये भी फॉर्म एनिमल्स में कहा जाएगा, ओके। तो अब हम फॉरेस्ट एनिमल्स पढ़ेंगे यानी कि वाइल्ड एनिमल्स। तो इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें नंबर वन है लायन, लायन की स्पेलिंग एल आई एन, लायन, लायन में शेर। नंबर टू है टाइगर, टी आई जी ई आर, टाइगर, टाइगर में बाघ। डियर, डी डब्ल्यू आर डियर, डियर में हिरन। बियर, बी ई आर बियर, बियर में भालू। लास्ट है एक एलिफेंट, एलिफेंट की स्पेलिंग ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट, एलिफेंट में हाथी। तो ये तो हो गए फॉरेस्ट एनिमल्स यानी कि वाइल्ड एनिमल्स, जो एनिमल्स जंगल में पाए जाते हैं उन्हें हम
फॉरेस्ट एनिमल्स कहते हैं या वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। सम एनिमल्स आर केप्ट एट द जू फॉरेस्ट टू सी, जैसे कि आप देखते हैं कुछ जानवर जो कि आपको जू में दिखाई देता है वो जंगल में ही होते हैं। जंगल जानवर को ही यानी कि फॉरेस्ट एनिमल्स को ही जू एनिमल्स में भी रखते हैं जो कि हम देखने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इस वजह से इन्हीं बातों से वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप एक लाइक जरूर करिए, चैनल से जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनको सब्सक्राइब कर लें, और पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात पूछनी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। आप सब बहुत ख्याल रखिएगा, प्लीज़ टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।